माँ हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह प्यार और त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। पहली बार मुख से माँ शब्द निकलता है। माँ वह माँ होती है जो अपने बच्चों के जन्म से लेकर हर सुख दुख में शामिल होती है, ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाए। खपरखेड़ा में रहने वाली अर्चना अनिल कोटवाड़ की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अपनी 3 साल की मुग बधिर बेटी को किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए अर्चना हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खापरखेड़ा से नागपुर मुग बधिर स्कूल शंकर नगर तक एक निजी बस से लेके आना और साथ ही अर्चना अपना लंच बॉक्स ले जाती थी और अपनी लड़की से बात करने के लिए मुग बधिर की साइन भाषा भी सीख ली। इस तरह अर्चना ने 17 साल खापरखेड़ा से नागपुर तक समृद्धि के लिए एक तरह तपस्या की। इसी वजह से 10वीं में 72% और 12वीं में 62% अंक पाए हैं, जिस वजह से अर्चना और समृद्धि की सराहना खापरखेड़ा परिसर में हुई है। अर्चना अनिल कोटवाड़ को 2004 में समृद्धि नाम की एक बेटी हुई। घर में लक्ष्मी का रूप आने से पूरा परिवार खुश था, लेकिन 1.5 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि समृद्धि न तो सुन सकती है और न ही बोल सकती है। डॉक्टर के पास इलाज किया, लेकिन असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने 12 लाख का खर्चा बताया। समृद्धि के पिता एक किसान थे। सोचा कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाया जाए, लेकिन अर्चना एक सकारात्मक सोच वाली थी। उसने हिम्मत ना हारते हुए समृद्धि को पढ़ाने का फैसला किया और नागपुर के मुग बधिर स्कूल में किंडरगार्टन से 12वीं तक पढ़ाना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप आज समृद्धि ने 12वीं पास कर ली है। रिजल्ट के दिन माँ गाँव गई हुई थी। हम कैसे जश्न मनाए क्योंकि माँ घर पर नहीं है, क्योंकि माँ के 17 साल की मेहनत का फल है। माँ को फोन कर जल्दी घर बुलाओ, ऐसा समृद्धि अपनी बहन और पिता से साइन भाषा में बोल रही थी। जैसे ही माँ गांव से आई तो माँ को लिपटते हुए दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थम नहीं रहते। समृद्धि से पूछे जाने पर कि वह आगे क्या पढ़ना चाहती है, उसने साइन भाषा में कहा कि वह पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर इंजीनियर बनना चाहती है। इसके लिए वह कर्नाटक के मैसूर में एक कॉलेज में दाखिला लेगी और कहा कि उसके पिता मैसूर के विद्यालय में जाकर आगे हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खापरखेड़ा के एक ऐसे स्पेशल चाइल्ड के साथ जिनको ना तो सुनाई आता है ना तो बोल पाते, फिर भी ये सब चुनौतियों के सामने जाते हुए 12वीं कक्षा का जो अभी रिजल्ट लगा, उस रिजल्ट में 62% से पास होकर उन्होंने साबित कर दिखाया कि चुनौतियाँ कितने भी हो पर अगर इंसान के अंदर ध्यास रहा तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ समृद्धि जो है और उनकी माता जी जो है हमारे साथ में मौजूद है। तो समृद्धि का क्या एक पूरा इतिहास रहा है और किस तरीके से स्ट्रगल करके बच्ची ने एजुकेशन पूरा किया? मैं किसान हूँ, मेरी खेती ईडगांव में है और ठेके से भी मैं खेती करता हूँ। जब हमें पता चला कि ये 1.5 साल में कि ये मुग बधिर है, तो मैंने नागपुर के ये कॉलेज वो कॉलेज पूरे स्कूल देखा, तो मेरे दोस्तों से पता चला कि शंकर नगर में मुग बधिर विद्यालय है, तो मैंने वहाँ पे गया और बालवाड़ी में इसका एडमिशन किया। और ये बालवाड़ी से लेके 12वीं तक उसकी माँ रोज़ सवेरे जाती है और शाम को उसको लेके आती है। तो कभी आपको ऐसा कमीपना महसूस नहीं हुआ कि अपनी बच्ची एक बाकी सब लड़कों के मुकाबले या बच्चों के मुकाबले एक नॉर्मल नहीं है करके? नहीं, स्टार्टिंग में लगा मेरे को, पर जब वो स्कूल जाने लगी तो मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि अपनी बच्ची मुग बधिर है करके, क्योंकि उसकी माँ भी वहाँ पे साइन लैंग्वेज पढ़ती थी और बच्ची भी पढ़ती थी, तो दोनों का पढ़ाई चालू था और उसके वजह ऐसी कमीपना अभी भी नहीं लगी और कभी लगेंगे भी नहीं। हमारी नाती ने 3 साल की थी तब पता चला कि मुग बधिर है और वो 12वीं पास हो गए, 62% मार्क मिला उसको और उसको मैसूर में पढ़ाना चाहता हूँ। आपको बाकी बच्चों के मुकाबले आपकी नातिन मुग बधिर है, ऐसा कभी कुछ एहसास या मलाल कभी कुछ हुआ है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर उससे प्यार जाता है इसलिए उसको पढ़ाना चाहता हूँ। पहली नातिन है मेरी, पहली नातिन है, तो आपका प्यार बहुत बच्ची के लिए है स्पेशल जेड। नातिन है ना मेरी, प्यार ज़्यादा होता है मुग बधिर रहे उसको और सुनने में नहीं आता इसलिए उसको पढ़ना चाहता हूँ।
ही म्हणते की माझी आई सकाळपासून उठायची, मला शाळेत घेऊन जायची आणि सतत माझ्यासोबत येणं जाणं, सकाळी बसनी जायची, बसनं यायची. खूप माझ्या आई तिने आईनी म्हणजे मदत खूप तिची माझ्या मागे मदत केली आईनी. आणि आता पुढे जाऊन मी पॉलीसाठी इंजिनियर करणार आहे म्हैसूरमध्ये. तर तुम्हाला हे कधी कळलं की मुलगी स्पेशल चाइल्ड आहे, मूकबधिर आहे? ही 1.5 वर्षाची असताना आम्हाला माहीत झालं की ही अशी मूकबधिर आहे म्हणून. त्यानंतर आम्ही मूकबधिर शंकरनगरला आई वडला आम्ही दोघं जण जाऊन पाहिलं, तिथे मग ॲडमिशन केली आणि तिथे बालवर्गापासून तर 12वीपर्यंत तिथे शिक्षण घेतलं. तर ज्या प्रकारे तुम्ही साईन लँग्वेज समजायला, तुम्ही पण याबद्दल अभ्यास केलेला आहे का? नाही, मी हिच्याच वर्गामध्येच बसायची आणि त्यानुसार मी पण तिथे शिकली आणि 12वीपर्यंतच क्लासमध्येच बसायची. NBC News के लिए खापरखेड़ा से प्रतिनिधि की रिपोर्ट.